तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफी मजेदार होने वाला है कि जो हमारे पास जो कार है ये बक्से में ये गाड़ी में आ नहीं सकी है इसलिए इसको हमने ऊपर टांग दिया है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, काफी सरप्राइज होने वाला। इसमें जो कार है वो काफी बढ़िया है तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि ये वीडियो काफी ढांसू होने वाला है। तो चलो दोस्तों इसको नीचे पटकते हैं और इसमें कौन सी कार है पूरा का पूरा अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। ये सिर्फ आपके लिए है तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अकेला इसको मैनेज करने वाला हूँ क्योंकि मेरे साथी लोग अभी आए नहीं है तो मैं आपको वेट कराने वाला नहीं हूँ। मैं इसको अकेला ही आपके लिए पूरा निकालने वाला हूँ। काफी भारी है शायद, मेरे को थोड़ी दिक्कत आएगी। काफी भारी है शायद, अब इसको मैं धीरे धीरे नीचे, देखो ये बक्सा अभी मेरी साइज का है कि नहीं। चलो इसका अब हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों इसको अब ओपन करने वाले हैं। इसका जो पैकेजिंग है वो काफी बढ़िया है, देखो इसके टायर तो आप देखो यार कितने बड़े बड़े टायर है, जुम्बो टायर है यार। तो सब है वो बारी बारी में आपको दिखाऊंगा, पहले मैं सारा टायर यहाँ बाहर ले लेता हूँ। अब ये जो टायर है वहां पे इसको रखने की पट्टी है, ये सब साइड का है गाड़ी के और ये पूरी सीट आएगी, आप देख सकते हो। इसने येलो और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन किया है, मुझे देखकर ऐसा लग रहा है। क्या बात है, इसमें एक और छोटा टायर, टोटल चार तो है फिर भी एक ज़्यादा इसमें। और ये पीछे की इसकी लाइटिंग है आप देख सकते हो, इसकी लाइटिंग रहेगी। और भी छोटा छोटा मटेरियल है इसमें, ये सब साइड के दरवाजे का आएगा, ये खींचने वाला है, ये आगे की लाइटिंग है। तो दोस्तों ये भी इसका ये बॉल को टाइट करने का आएगा, ये छोटे छोटे स्पेशा पाना और बॉल है, इसका रिमोट आएगा, देखो ये रिमोट आएगा इसका, ये पीछे का लगाने का आएगा, ये इसका चार्ज आएगा उसको, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें सब बॉल वगैरह रहता है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि कोई भी बॉल गुम ना हो जाए। अब जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है, जिसको आप देखने के लिए उतावले हो रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसका हैंडल है, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो मैंने बाहर निकाल दिया है। वाह काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छी।
तो चलो दोस्तों, हमने बक्से में से पूरी गाड़ी निकाल दी है, पूरा स्पेयर पार्ट है वो सब हमने आपको दिखा दिया है। अब बारी बारी सब हम कनेक्ट करेंगे और पूरी गाड़ी हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बड़े बड़े टायर है हमारे पास उसको ले लेते हैं। भी है देखो, इसको हम फिट कर देंगे। मैं आपको एक ही टायर कैसे फिट करते वो दिखाऊंगा। बाकी देखो, ये बॉल फिट करने का पाना भी साथ में है। अब इसको यहाँ हम लगा देते। यहाँ हर जगह पर लॉक है, आप देख सकते हो। यहाँ जैसे ही आप प्रेस करोगे पूरा लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखो, पूरा टायर हमने इस तरह से लगा दिया। अब सारे चार टायर हम लगा देंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, हमने टायर लगा दिया है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट है टायर का, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। फिर भी हमने फटाफट आपके लिए टायर लगा दिया है। अब बार ये इलेक्ट्रिक का, आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ पर बैटरी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया बैटरी है। इसमें दो पॉइंट आएगा, रेड और ब्लैक। एक पॉइंट जाएगा चार्जर का पॉइंट पे पास, और एक चला जाएगा डायरेक्ट प्रोटेक्टेड में, यानी कि सेल में जाएगा। अब यहाँ पर जो है पीछे वाला पॉइंट यहाँ का, तो यहाँ पे हमारे पास एक टायर है इसका। इस टायर को यहाँ हमें जॉइंट करना है, तो इसको यहाँ हम जॉइंट कर दे देंगे इसके साथ। धूप थोड़ी ज़्यादा है, पसीना आ रहा है, लेकिन क्या करें। यहाँ जो तीन बॉल है उसको हम निकालेंगे, उसके बाद यहाँ इस पे जो दो बॉल है उस पे डालने वाले हैं। ऐसे ऐसे होगा, ये देखो, ये पूरा का पूरा ऐसे आए ऐसे। तो दोस्तों ये पीछे वाला पार्ट है वो हमने जॉइंट कर दिया है। हमारे पास जो स्टेयरिंग है उसको हम जॉइंट करने वाले हैं। देखो यहाँ हमने इसको जॉइंट कर दिया, इसका सपोर्ट रहता है, वरना इसका जो वायरिंग रहता है वो अंदर चला जाता है। अब इसको हम पूरा जाने देंगे अंदर, और इस बॉल को हम खोलने वाले हैं। देखो आप, यहाँ पे एक बॉल है दोस्तों, यहाँ हम इसका जो बॉल है वो मैचिंग करना पड़ेगा थोड़ा। तो चलो यहाँ पे आगे का जो स्टेयरिंग है वो हमने जॉइंट कर दिया। अब बारी है पीछे स्पेयर पार्ट की, यहाँ पर हमने इसको फिट कर दिया। अब इसको यहाँ से नीचे जाने देते ताकि ये जो वायरिंग है हमें दिक्कत ना आए जॉइंट करने में। यहाँ पे जैसे ही इसको प्रेस करोगे पूरा लॉक लग जाएगा, लेकिन अभी अब लॉक लगाने वाले नहीं है क्योंकि अगर कुछ दिक्कत हुई तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले सामने वाला लॉक है उसको भी हम थोड़ा अंदर जाने देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। और इसका जो पीछे का लाइटिंग है आप देख सकते हो, इसका वायर इधर है, यानी कि इसको इसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा पहले। देखो अभी इसका जो वायरिंग है यहाँ से अंदर से यहाँ से बाहर आके इसके साथ, यानी कि ये जो लाइटिंग है वो काफ़ी बढ़िया कड़क होने वाली है, क्योंकि रात पर ये गाड़ी चलाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैसी गाड़ी है। पहले इस साइड हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। अभी क्या होगा, ये जो वायरिंग है पूरा का पूरा हम नीचे जाने देंगे यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पीछे का स्पेयर पार्ट मैंने जॉइंट कर दिया है, अंदर जो बैटरी वो सारी मैंने आपको दिखा दी। अब मैं बैटरी को ढकने वाला हूँ, सीट की मदद से आप देख लो। तो हमारे पास यहाँ दो लॉक है, इसकी मदद से लॉक की मदद से इसको हमने जॉइंट कर दिया है। अब बारी है साइड के लॉक की, यानी कि जो साइड का स्पेयर पार्ट है उसकी बारी है। अब गाड़ी का जो आगे का पार्ट है वो इस तरह से है। देखो यहाँ इसको जॉइंट करना पड़ेगा, तभी आगे की लाइट और म्यूजिक बजेगा, वरना थोड़ी दिक्कत होगी। अभी स्पेयर पार्ट पूरा लॉक नहीं किया है, थोड़ा गिरेगा। देखो दोस्तों ये गाड़ी पूरी हमने तैयार कर ली है, आप देख सकते हो। ये पीछे वाला हैंडल है, अभी मैं लगाने वाला हूँ, आप आ जाओ इधर आएगा। ऐसे देखो इसको अंदर रख सकते हैं, इसकी मदद से हम गाड़ी को कहीं पे भी कैरी ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही देख रहे हो, ये चार्जर है, इसका पॉइंट कहाँ आएगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख लो पहले, ताकि जब भी चार्ज ख़त्म हो जाए तो यहाँ इसकी मदद से आप चार्ज कर सकते हो। देखो यहाँ पे चार्ज रहेगा। अब बारी है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और रिमोट
ये रिमोट की मदद से पूरी कंट्रोल होती है। और इससे पहले इसका हमारे पास इसका जो पूरा स्टिकर है इसको हम लगा देते हैं। इसका जो पॉलिश का सिंबल है देखो, पुलिस वाली कार बन गई ना। अबे पीछे लगा देने वाला हूँ मैं, ये जो नंबर प्लेट है वो पीछे पूरी लग जाएगी। हमारी जो कार है पुलिस कार, इसको हम पुलिस जीप भी बोलेंगे क्योंकि इसके टायर देखकर मुझे लग नहीं रहा है इसको हम कार कह सकते हैं। ये थार की जैसी है जीप। तो चलो इसको जो फंक्शन है वो पूरा हम दिखाने वाले हैं। इधर आ जाओ, यहाँ पे वो कैसे ऑपरेट होती है वो पूरा हम दिखाने वाले हैं। यहाँ से इसको जैसे ही आप प्रेस करोगे स्विंग यानी कि ऑटो चलेगी। आप देख सकते हो मैंने जैसे ही एक बटन प्रेस किया अपनी जगह पर ऑटो पे मोशन हो रही है। अब इसको मैं, ये जो पहला वाला बटन है इसको मोशन को मैं जैसे ही बंद करूंगा बंद हो जाएगी। ये जो बाजू का बटन है फॉरवर्ड स्टॉप और बैक, तो बैक यानी कि जैसे ही आप देखो पूरी बैक चली जाएगी, और जैसे ही आप फॉरवर्ड पे करोगे और लीवर दोगे वैसे वो आगे चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर फॉरवर्ड स्टॉप और बैक तीन ऑप्शन, अगर 20 वाला रहेगा तो 20 वाला रहेगा। अगर आपका बच्चा इस गाड़ी चला रहा है और आपको रिमोट से कंट्रोल करना है तो आपको पहले यहाँ पे स्टॉप पर आ जाना है ताकि आपका बच्चा आप अपनी रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। अब बारी है म्यूजिक के, आप इस साइड आ जाओ। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो ऑन का है। यहाँ पे ब्लूटूथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे ऑप्शन है देखो, यहाँ पे चार्जर का ऑप्शन है, यूएसबी केबल का ऑप्शन है, पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिख गया है। यहाँ पे भी ऑन है अगर ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया पूरा जो आगे का फंक्शन है यानी कि आगे का जो वायरिंग है वो पूरा मैंने आपको दिखाया गया। अब बारी है रिमोट की, रिमोट में कैसे कनेक्ट होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पीछे मैंने दो छोटे छोटे छेद डाल दिए। यहाँ पे जो हमारा रिमोट है यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, आपको मैं पहले पूरा रिमोट का फंक्शन दिखा देता हूँ। फॉरवर्ड बैकवर्ड म्यूजिक स्विच ऑन ऑफ ब्रेक, यहाँ पे इस बटन, इस रिमोट की मदद से ब्रेक भी लग सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट, म्यूजिक लैंप एंड स्विच सब इसमें ऑप्शन है। अगर ये रिमोट आपके हाथ में रहेगा तो गाड़ी का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। तो चलो अब इसको मैं चला के दिखाने वाला हूँ आपको। इसमें टोटल 6 गियर आएंगे, अभी ये दूसरे गियर पर चल रही है, अब मैं इसको छठे गियर पे डालने वाला हूँ। देखो पूरा इसमें मैं आ गया, ये गाड़ी है काफ़ी जुम्बो है, काफ़ी बढ़िया है, पूरा का पूरा मैं इसमें देख सकते हो आ गया हूँ। अब इसको मैं चलाने वाला हूँ बिना रिमोट, इसको मैं अब बिना रिमोट से चलाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पग है जो राइट वाला पग है वहाँ पे एक गियर का बटन है उसकी मदद से मैं पूरे की पूरी गाड़ी चलाने वाला हूँ, और मेरे हाथ में ब्रेक भी रहेगी और पूरा का पूरा जो हॉर्न वगैरह और म्यूजिक वगैरह सब रहेगा। तो चलो मैं अकेला अब इसको चलाने वाला हूँ। इसको मैंने रोड के बाहर भी चला के देखी एक बार, रोड देखो चला के दिखाता हूँ। देखो ये पूरी रोड के बाहर जा रही है फिर भी ये चल रही है। देखो देखो ये ऑफ रोड पे भी अच्छी तरीके से चलती है, ऑन रोड की बात ही मत पूछो।
अब इसको मैं पीछे चलाने वाला हूँ। अब यहाँ से मैं यहाँ पे बटन है वहां से मैं पीछे चलाने वाला हूँ इसको। अब मैं वापस वहां आने वाला हूँ। ये गाड़ी है वो काफी बढ़िया और काफी अच्छी है। पूरा इसका टायर आप देख सकते हो, ये ऑन रोड ऑफ रोड हर जगह पर चल सकती है। इसको मैंने हर जगह पर चलाया, रोड के बाहर भी चलाया काफी अच्छी तरीके से। मेरा वेट तो 60-70 किलोग्राम होगा, मुझको भी ये कैरी कर सकती है। तो इसकी कैपेसिटी 80 किलोग्राम तक होगी शायद, इसलिए आप इसको परचेज करना है तो कर सकते हो। इसकी प्राइस की बात करें तो ये शायद आपको 11,000-12,000 के आसपास मिल जाएगी। इसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दी, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। अगर ऐसे ही टॉयज के वीडियो हम आपके लिए लाते रहे तो आप हमारी चैनल में बने रहना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही बड़े बड़े टॉयज के वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। थैंक यू।